आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत की पटरी से उतारने के लिए एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस में एक नई समस्या सामने आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर उद्धव गुट की शिवसेना के दावे से इंडिया अलायंस विशेषकर कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आगाह किया है कि वे शिवसेना के दबाव में न आए, अन्यथा चुनावी वर्ष में पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेसी नेताओं ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभाव में आकर शिवसेना और एनसीपी पहले ही टूट चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक एकजुट है। ऐसे में अगर कांग्रेस सीटों पर किसी तरह का समझौता करती है तो इस प्रतिकूल माहौल में भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार पार्टी नेताओं पर गलत प्रभाव डालेगा और वे वैकल्पिक रास्ते चुन सकते हैं। कई वरिष्ठ नेता टिकट के लिए पार्टी भी छोड़ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस आलाकमान को शरद पवार से भी सतर्क रहने के संकेत दिए। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की माने तो शिवसेना को आगे कर शरद पवार कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में इस समय कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है और शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है। शरद पवार के पास इस समय लोकसभा लड़ने के लिए अच्छे और तगड़े उम्मीदवार नहीं। इसी के साथ कई पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि शरद पवार शिवसेना उद्धव गुट को ज्यादा सीटों के लिए इसलिए उकसा रहे हैं ताकि कांग्रेस को कम सीटें मिले और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के कुछ इच्छुक नेता टिकट के लिए उनकी पार्टी में आ जाएं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने भी महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की चिंताओं को सही माना है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग के इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस किस तरह से व्यवस्थित करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।